पीयूष बिल्डर के यहाँ निवेश किए गए पैसे पिछले एक साल से वापस न मिलने पर किसान परिवारों और रिटायर नौकरी पेशा लोगों का 22वें दिन भी धरना जारी रहा। आपको बता दें कि इन लोगों ने पीयूष बिल्डर के YMCA ऑफिस पर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं इस मौके पर कांग्रेस विधायक ललित नागर ने भी अपना समर्थन किसानों को दिया और सरकार को जमकर कोसा। लोगों के लिए बनी हुई है, बिल्डरों के लिए नहीं है। विधायक जी देखा जा रहा की बात है, देखा जा रहा है विधायक जी, फरीदाबाद में आए दिन धरने चल रहे हैं। अभी हाल ही में मुजैडी का मामला खत्म हुआ है, फिर इसके बाद ये पीयूष वाला चल गया। ये तो सरकार निकम्मी है, काम नहीं कर रही। जब सरकार निकम्मी हो, काम ना करे, तो उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन लोगों की मजबूरी बन जाती है। आज मजबूरी बनी हुई है लोगों की धरना प्रदर्शन करने की। तो आपकी तरफ से क्या समर्थन मिलेगा इन्हें? मैंने आज इनको समर्थन किया है। आने वाले समय में अगर ये पैसे नहीं लौटाए तो हम लोग विधानसभा में इनकी बात उठाएंगे। मैं हुकमचंद बल्लमगढ़ से, किसान है, दुकानदार है। आपने निवेश कर रखा है इस ग्रुप में? निवेश कर रखा है, इन्होंने पैसे लिए थे कि भाई हम एसोट रिटर्न करेंगे और पैसे आपके देंगे, ये बढ़िया जगह देंगे आपके लिए। ना तो ये मिलते ना पैसे देते। 22 दिन हो गए धरने में, 22 दिन धरने पर हो गए। 22 दिन धरने पर हमने लोगों का पैसा, अपने रिश्तेदारों का पैसा, बहन बेटियों का पैसा यहाँ लगाया हुआ है। भाई साहब इतनी बुरी नौबत है, अगर पैसा हमें नहीं मिला तो हमें मजबूर होकर कोई आत्महत्या ना कर लें हम, इसके लिए प्रशासन और ये खुद बिल्डर। मैं आज 22 दिन से लगातार धरने पे बैठा हुआ हूँ। क्या क्या मतलब दिक्कत क्या है आपको यहाँ पे धरने बैठे हैं? शुरू से बताइए कि आखिर वाक्य क्या हुआ। वाक्य ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे पीयूष कंपनी में कुछ पैसा निवेश किया था। इन्होंने वो पैसा फ्लैट बनाने में, कॉमर्शियल कम्प्लेक्स बनाने में और दुकान बनाने में इन्होंने वो यूज़ किया। और इन्होंने हमसे कहा था कि भाई हम आपको एश्योर रिटर्न देंगे, और एश्योर रिटर्न जब तक आप लेना हो वो ले लेना, और उसके बाद यदि आप चाहो तो हम आपको फ्रेश बिल्कुल जो है फ्लैट बना के देंगे या दुकान बना के देंगे और बिल्कुल पाक साफ ज़मीन देंगे। लेकिन इन्होंने ना कोई पाक साफ ज़मीन दी और बीच में ही वो एश्योर रिटर्न देना बंद कर दिया। आप इनके घर पे भी जो निवास था ना, वहाँ पे धरने बैठे, वहाँ से आपको पुलिस ने खदेड़ दिया? हम इनके घर पे जो धरने में बैठे थे वहाँ पे पुलिस ने बोला कि आप किसी के घर पे नहीं बैठ सकते, यह रेजिडेंस एरिया है और अड़ोसी पड़ोसी डिस्टर्ब होंगे। लेकिन अड़ोसी पड़ोसियों ने हमारा, सभी पड़ोसियों ने साथ दिया। उन्होंने बाकायदा रिटर्न में हमें जो साइन करके दिया RWA के प्रधानों ने, वहाँ के लोगों ने, कि हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो और आप अपने इनसे पैसे मांगो। पुलिस से आपने शिकायत वगैरह की इनके बारे में? हाँ, पुलिस से हमने सेक्टर 7 चौकी में कई बार शिकायत कर चुके हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करते। डीसी को भी बिल्डर इतनी बड़ी पैमाने में अपनी मनमानी चला रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या लगता है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसमें जो है इनको सरकार से सह मिली हुई है। एक किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास हुआ है, उनके हाथ में चोट लगी, MLR कटी और मेडिकल हुआ, उसके बावजूद भी पुलिस उसके खिलाफ कुछ नहीं करती। ऐसे यहाँ पे वकालत करती जैसे पुलिस खुद बिल्डरों के यहाँ पे नौकरी करती हो।